वहीं अगर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो लेपर्ड 2 में कई खामियां हैं, मसलन ये आईडी एटीजीएम और आत्मघाती ड्रोन का मुकाबला नहीं कर सकता है। अब जबकि इसके ऊपरी हिस्से की कमजोरी भी सामने आ गई है तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये किसी आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल का सामना कैसे कर पाएगा, और अगर ड्रोन से टैंक पर हमला होता है तो लेपर्ड का आखिर अंजाम क्या होगा। यूक्रेन को रूस से मुकाबले के लिए जर्मनी से पहले 18 लेपर्ड 2 टैंक मिल चुके हैं। इसके अलावा कनाडा और पोलैंड से भी यूक्रेन को लेपर्ड 2 की डिलीवरी हुई है। लेकिन एक तो ज़ेलेंस्की हथियारों की सप्लाई में देरी से परेशान है और ऊपर से अब टूटे लेपर्ड 2 की इन तस्वीरों ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी है। Важливо це розуміти, щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності або інших якісних характеристик, щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час. Час, який витрачається, щоб переконати і щоб все ж таки відбулась поставка необхідної зброї. यूक्रेन की एयरफोर्स पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमानों की घोर किल्लत से जूझ रही है। पेंटागन के लीक दस्तावेजों में तो दावा यहाँ तक है कि मई के महीने में ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही खोखला हो जाएगा। ऐसे में आसमान में सरेंडर के बाद क्या जमीन पर ऐसे टैंकों के भूते यूक्रेन की आर्मी पुतिन की ताकतवर फौज से मुकाबला कर पाएगी। यूक्रेन पलटवार के दावे करता रहा है, लेकिन सवाल तो ये कि पलटवार की तैयारी कब पूरी होगी। Те, що треба ще наявність технічного оснащення, воно є так само обов'язковим, додаток до цього духу. Як тільки ми будемо готові, от, тоді ми і будемо починати. Якщо ми не будемо готові, ніхто не буде починати не готовими. Це дуже важливо, коли починають говорити, що там завтра, післязавтра, там, от, майте на увазі, що первинна готовність має бути 100%. यूक्रेन की पूरी लड़ाई और पलटवार की तैयारी नेटो देशों की मदद पर टिकी है, क्योंकि पुतिन की एयरफोर्स ने ज़ेलेंस्की के हथियार कारखानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ऐसे में लड़ाकू विमान देने से इनकार कर चुके अमेरिका की तरफ से उसे एबराम्स टैंक मिलने वाले हैं, तो ब्रिटेन से भी चैलेंजर 2 और जर्मनी से लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। आलम यह है कि मदद के नाम पर यूक्रेन में पुराने और बेकार हो चुके टैंक भी खपाए जा रहे हैं। जर्मनी और नीदरलैंड्स के बाद अब डेनमार्क ने भी 100 लेपर्ड 1 टैंक देने का ऐलान किया है। तीनों देशों ने यूक्रेन को जल्द से जल्द 2 टैंक बटालियन यानी 80 टैंक देने का फैसला लिया है। डेनमार्क के पास जर्मनी से खरीदे 120 लेपर्ड 1 टैंक है, जो उसने 1974 में ही जर्मनी से खरीदे थे। बड़ी बात यह कि लेपर्ड 1 टैंक का प्रोडक्शन ही नहीं, इसका इस्तेमाल भी बंद हो चुका है। ऐसे में सवाल ये कि ये बेकार और कबाड़ टैंक रूस के ताकतवर टैंकों के सामने कैसे टिक पाएंगे। और तो और लेपर्ड 1 के गोले भी अब नहीं बनते और लेपर्ड 2 के गोले का इस्तेमाल लेपर्ड 1 में हो ही नहीं सकता। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या मदद की आड़ में यूक्रेन को डंपिंग जोन बनाया जा रहा है, क्या मदद के नाम पर ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा धोखा मिल रहा है, क्या नए हथियारों को आगे कर यूक्रेन को कबाड़ की सप्लाई हो रही है। ऐसे सवाल इसलिए क्योंकि जर्मनी ने सबसे पहले यूक्रेन को अपने बेहद पुराने लेपर्ड 1 टैंक देने की बात कही थी। लेपर्ड 1 की ताकत क्या है, ये लेपर्ड 2 से कितना अलग है, इसे जानने से पहले आप इसके आगाज से अंजाम तक की कहानी जान लीजिए। लेपर्ड 1 टैंक 1960 के दशक में बना, 2003 में ही जर्मनी ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया।
यानी जो टैंक 60 साल से भी ज्यादा पहले बना, जिसका इस्तेमाल खुद जर्मनी ने 20 साल पहले छोड़ दिया, अब उस कबाड़ टैंक की सप्लाई यूक्रेन को होने जा रही है। जाहिर है जिन टैंकों का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा वो बेकार और कबाड़ में तब्दील हो चुके होंगे। युद्ध के मैदान में यूक्रेन की मदद करनी है, ऐसे में अब चाहे तो लेपर्ड 1 बेकार हो या कबाड़, इन्हीं की रंगाई पुताई और मरम्मत कर इसे जेलेंस्की को बतौर तोहफा भेजने की तैयारी है। अब आपको लेपर्ड 1 और लेपर्ड 2 का फर्क भी समझा देते हैं। लेपर्ड 1 में 104 mm की गन लगी है तो लेपर्ड 2 में 120 mm की गन लगी है। लेपर्ड 1 में 819 हॉर्स पावर का इंजन है तो लेपर्ड 2 में 873 हॉर्स पावर का इंजन है। लेपर्ड 1 की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे है तो लेपर्ड 2 की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेपर्ड 1 का वजन 42.2 टन है तो लेपर्ड 2 का वजन 62.5 टन है। इसमें कोई शक नहीं, लेपर्ड 1 के मुकाबले लेपर्ड 2 कहीं ज्यादा मजबूत, मॉडर्न और नई तकनीक से लैस है। लेकिन अब पोलैंड में ट्रेनिंग के दौरान लेपर्ड 2 के ऊपरी हिस्से के बिखरने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने जेलेंस्की को परेशान कर दिया है, क्योंकि जो टैंक बिना लड़े टकरा कर टूट गया वो पुतिन पर आखिरी पलटवार से पहले ही जेलेंस्की के सपने तोड़ने जैसा है। और अब बात पुतिन की एक बहुत बड़े सीक्रेट दौरे की। पुतिन एक बार फिर से यूक्रेन की जमीन पर उतरे। पुतिन ने यूक्रेन में उस जगह का दौरा किया जहां से यूक्रेन की फौज कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी, और इस दौरे को पुतिन का कोड 18 कहा जा रहा है। कोड 18 में पुतिन का फोकस जेलेंस्की के 3 टारगेट पर होगा। जेलेंस्की के लिए घबराने वाली बात यह है कि पुतिन इस कोड को लॉन्च कर चुके हैं। पुतिन ने चुन ली है 18 तारीख। अब जो भी होगा 18 तारीख को होगा। इसे आप पुतिन का कोड 18 भी कह सकते हैं। कोड सी के आगे बढ़कर अब पुतिन ने कोड 18 पर फोकस कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जेलेंस्की से लेकर अमेरिका और पूरे नेटो पर जो भी तबाही आएगी वो 18 तारीख को ही आएगी, और पुतिन 18 तारीख को ही बड़े फैसले लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन 18 अप्रैल की रात खेरसान पहुंचे। ये बहुत सीक्रेट दौरा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने मारियोपोल जाने के लिए भी 18 मार्च की ही तारीख चुनी थी। मारियोपोल वो जगह है जहां पुतिन का पूरी तरह कब्जा है। खेरसान वो जगह है जहां के पश्चिमी हिस्से से जेलेंस्की रूस को खदेड़ चुके हैं। ऐसे में इन दोनों तस्वीरों की अहमियत समझिए। 18 तारीख पुतिन के लिए बहुत अहम बन चुकी है। पुतिन ने 17 और 18 अप्रैल आधी रात को क्या किया, बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले पुतिन खेरसान पहुंचे। ये वो जगह है जहां पुतिन की फौज को जेलेंस्की के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। रात ही में पुतिन ने मिलिट्री कमांड के साथ मीटिंग की और पूछा कि गड़बड़ी कहां हुई। Просил бы начать доклад ситуации на Сумском направлении, затем на Запорожском, а после этого... Путин के कोड 18 का फोकस 3 शहरों पर है। पहला है खेरसोन, दूसरा है ज़ापोरिज़्या और तीसरा है बखमूत।
नवंबर 2022 में पुतिन की फौज को खेरसान के पश्चिमी हिस्से से पीछे हटना पड़ा था। पुतिन की फौज को जेलेंस्की ने निप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर धकेल दिया था। ये पुतिन को बहुत बड़ा झटका था और यही वजह है कि पुतिन अब बखमूत के बाद खेरसान में भी फिर से बड़ा ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं। ये खेरसान की जमीन है और अक्टूबर और नवंबर 2022 में इतने गोले बरसाए गए हैं कि हर तरफ मिट्टी में बारूद की महक है। यूक्रेन और रूस के बीच यहाँ ऐसा खतरनाक युद्ध हुआ कि दोनों तरफ लाशों को गिनना बंद कर दिया गया। पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जेलेंस्की ने उल्टा खेरसान का गेम पलट दिया। हालात ऐसे हो गए कि खेरसान में पुतिन के लिए रेड लाइट जल गई। खेरसान पर कब्जा पुतिन के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। जेलेंस्की ने खेरसान में पुतिन के सबसे बड़े गुरूर को चकनाचूर कर दिया। ऐसे में अब पुतिन क्या करेंगे? खेरसान में क्या हुआ है वो बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इस बम गोलों की बरसात में आपको यूक्रेन युद्ध की दो बातें बहुत बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। ऐसी बात जिनसे आपको इस युद्ध के नतीजे की भी साफ साफ तस्वीर नजर आएगी। खेरसान में क्या जेलेंस्की मजबूत हुए या पुतिन अगर कमजोर हुए, इसकी वजह आज भी पुतिन जानना चाहते हैं। पुतिन खेरसान में अपने कमांडरों से मिले और उनसे पूछा कि आखिर कमी कहां रह गई, क्यों खेरसान पर मारियोपोल की तरह कब्जा नहीं हो पाया, क्योंकि खेरसान में मिली हार पुतिन के लिए डॉनबास में खतरे की घंटी बजाने लगी थी। Есть еще одна копия. И